देश की ब्यूरोक्रेसी पर इल्जाम लगते हैं कि उसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, देश की ब्यूरोक्रेसी लीडरों के लिए काम करती है, कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, इससे डर रहता है। पर कुछ ऐसे आईएएस और आईपीएस भी हैं जो ट्रांसफर झेलते हैं पर अपने जो निजम है, जो कानून है, उससे पीछे नहीं हटते। हरियाणा के ऐसे आईएएस हैं अशोक खेमका, जिनका फिर से तबादला हो गया है। 51वां तबादला हुआ है 26 साल की सर्विस में, और बीजेपी की सरकार में पांच तबादले हो चुके हैं, जिस छठा तबादला है। तो अशोक खेमका का तबादला क्यों होता है? हमारे साथ अशोक खेमका है, उनसे बात करेंगे कि क्या उनमें कोई गड़बड़ है या सरकारों में गड़बड़ है, क्यों उनको हटा दिया जाता है। कांग्रेस भी उनसे नाराज रहती है, बीजेपी भी उनसे नाराज रहती है। रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी इन्होंने निकाला था, और उसके बाद और भी बहुत सारे इशू इन्होंने उठाए। तो हमारे साथ हैं अशोक खेमका। खेमका साहब, ये गड़बड़ किसमें है, सरकार में है या आप में है? देखिए, ये तो व्यू पॉइंट की बात है कि गड़बड़ किसमें है, और तबादला जो है सरकार का प्रेरोगेटिव है, एक उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। अधिकार का प्रयोग क्या पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया कि किसी स्वार्थ के निहित किया गया, इतनी सी बात है। मैं ये मानता हूं कि जो रूल है, रूल में 2 साल पोस्ट पर बने रहना मिनिमम टेन्योर गारंटीड है। मैंने पहले भी ये बात उठाई थी, आज भी ये बात उठा रहा हूं। 80 दिन में तबादला हुआ, बेशक करें, लेकिन अगर कार्य में कोई त्रुटि है तो कम से कम बताया जाए कि आपके कार्य में ये त्रुटि रही, इस वजह से आपका तबादला किया जा रहा है। इतनी सी बात कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि सरकार, चुनी हुई सरकार को अधिकार नहीं है किसी अधिकारी का तबादला करने के लिए। वह बेशक करे, लेकिन पारदर्शिता तरीके से करे, ताकि अधिकारी का बल, मनोबल जो है वो गिरे ना। ये मंत्री जो बेदी हैं, कहते हैं उनसे पंगा था, पेंशन का कोई स्कैम था, इसके ऊपर आप लगातार काम कर रहे थे, कुछ चीजों के ऊपर आप काम कर रहे थे जिनसे उनको दिक्कत थी, ऐसी दिक्कत थी क्या? देखिए, किसी वैयक्तिक बात को कहना मैं उचित नहीं समझता मीडिया में। हम सिर्फ इशू पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास, जो निशक्त जन है या जो नशे से जो जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है उनका पुनर्वास करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। समाज में लगभग 10% लोग होंगे, स्पेशली हरियाणा राज्य में, जहाँ पर लोग किसी प्रकार से निशक्तता से ग्रसित हैं या फिर नशे में हैं, तो इनको उबरना और इनका पुनर्वास करना, समाज के मुख्य धारा में इनको लाना, ये बहुत ही कठिन और बहुत ही लंबा कार्य है। तो पहले मुझे इस बारे में दिशा नहीं सूझ रही थी, इस बार मुझे दिशा सूझी थी, और एक पूरा प्लान था जिसके तहत हम इसमें कैपेसिटी लाते महकमे में, और महकमा उड़ान भरने वाला था, एक नई उड़ान लेने वाला था। तो फिर गड़बड़ क्या होगी, क्यों ऐसा लगा कि अशोक खेमका को ट्रांसफर कर दो? नहीं, ऐसे वक्त में जब तबादला मिला, कहते हैं लोग कि जो तबादला हुआ वह उनकी नजरों में अच्छे महकमे में हुआ, लेकिन फिर भी मुझे उस वक्त, कल जब रात को मुझे फोन आया कि आपका तबादला हो गया, तो अचानक एक मैं जहन में हिल गया कि भाई कुछ प्लान थे मेरे दिमाग में, अब वो सब रह जाएंगे, तो मुझे पीड़ा हुई थोड़ी कि फिर उस निराशा में मैंने ट्वीट किया, फिर ये देखा कि भाई चलो शायद नियति में यही था, कुछ चीजें विधान की, विधि की लिखी हुई होती है, उसे मान लेना चाहिए। जब मान लिया तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है ब्यूरोक्रेसी में, ये किसी हिसाब से कम होनी, रिफॉर्म होना चाहिए देश में इस तरह का? कोई आपका मामला नहीं है, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी, जब लीडरों के, हम देखते हैं यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, कि लीडरों के तलवे चाटने लगते हैं, बहुत सारे ऑफिसर हमने देखे हैं, तो आपको लगता है कि रिफॉर्म होना चाहिए? देखिए, क्योंकि ट्रांसफर का डर रहता है सबको। मैं इसमें बता रहा हूँ, पॉलिटी का मतलब है ऑफ द पीपल, तो लोगों की जो बात लोगों के हित में हो वो अच्छी होती है। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन का मतलब है, लोगों का अगर इंटरवेंशन है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन का आपका अभिप्राय है वैयक्तिक स्वार्थ, अगर वैयक्तिक स्वार्थ है, अगर उसकी वजह से इंटरवेंशन है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रॉब्लम है। रिफॉर्म होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, प्रॉब्लम ये होती है जब
वहां पर चाहा हो कि मैं किसी व्यक्ति का नौकर हूं और जबकि संविधान कहता है कि मैं संविधान का नौकर हूं, तो वहां पर जब मतभेद जब पैदा होता है तो वो इरिकंसीलिएबल होता है, उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो इसमें इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कि आप क्या किसी प्राइवेट को सर्व कर रहे हैं कि आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। आपको दुख होता है जब बार बार ट्रांसफर होती है, आपके घर में बात चलती है कि खेमका साहब क्यों पंगे ले रहे हैं इनसे, घर वाले तो कहती होंगे ना कि किस काम में पड़े हैं आप, छोड़िए ये बार बार ट्रांसफर। नहीं, घर वाले ऐसा तो कोई आक्षेप मुझे नहीं लगाते। हाँ, कभी कभी उन्हें भी शायद ये लगता है और मुझे भी लगता है कि क्यों ना छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं इसमें गांधी जी की आत्मजीवनी पढ़ी है मैंने, और उस आत्मजीवनी में मैंने ये देखा कि जो मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय से दैवी प्रवृत्ति होती है कि अपने से संघर्ष किए रखना, अपना मनोबल ना गिरने देना। अगर आप देव हैं तब आपकी पूजा करने में कोई जरूरत नहीं है कि आपकी पूजा हो, आप पूज्य जब हैं जब आप मानव हैं और आप देव बनने का प्रयास कर रहे हैं अपने आत्मबल से, तो कमजोरी होती है। कमजोरी को से इसीलिए लॉ कर रहे हैं आपके, कई बार मन में आता है कि यार छोड़ दो सारा कुछ, क्यों मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूं अगर नहीं करने दे रहा कहीं। लॉ कर रहे हैं आजकल, मुझे पता है आप, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, आप लॉ डिपार्टमेंट के सामने हैं, तो आप क्लास लगाने आए थे, मैं यहां पर आ गया आपके पास, तो इसीलिए लॉ कर रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था, ये विषय मुझे बहुत प्रिय है और ये इवनिंग स्टडी है जो 5:30 बजे क्लास शुरू होती है, 9 बजे तक चलती है, तो हमने सोचा कि इसका अध्ययन किया जाए और अगर इसमें स्नातकता पाई जाती है तो रिटायरमेंट के बाद ये अच्छा प्रोफेशन होगा इसको करने के लिए। इसमें प्रोफेशन इस तौर से नहीं कि मुझे कोई इसमें धनोपार्जन करना है, लेकिन समाज में ऐसी कई कुव्यवस्थाएं हैं जिनको हम विधि के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, कानून के द्वारा। अनिल विज के आप डिपार्टमेंट में आ गए, वो भी बहुत पंगेवाज समझे जाते हैं, हालांकि आपके बारे में बहुत पक्ष में बोलते रहे हैं, वो भी अलग अलग तरह की उनकी स्टेटमेंट्स होती है, आपका भी स्वभाव खाड़कू है, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं वहां पर ना पंगा पड़ जाए? अभी तो आप दोस्त हैं, अभी तो आप मानते हैं कि वो अच्छे हैं, कल को वहां पर भी गड़बड़ हो जाए? नहीं, पंगे वाली बात नहीं है, वे बेबाक है और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, और वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, शायद मेरा भी स्वभाव थोड़ा बहुत वैसे ही है, और हम मिलकर अच्छा काम करेंगे, ऐसी कोई आकांक्षा आपकी निराधार है। आपको लगता है अब ट्रांसफर नहीं होगी, निलविस से नहीं होगी आगे? ये हो सकती है। नहीं, वो तो जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं उनके साथ 1 साल 4 महीने कार्य किया हूँ, और मेरी ट्रांसफर उनकी वजह से तो नहीं हुई थी उस समय, वह कोई और वजह थी। हम लोगों ने आपस में, मैं उनके अंतर्गत काम करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सेटिस्फेक्शन हुआ, इस महकमे में भी मैं आशा करता हूँ कि होगी जरूर। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जब आपका इंटरव्यू देखेंगे निराशा नहीं होगी उनको? आपको, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी यूपीएससी की तैयारी करके, कोई पीसीएस की कर रहा है, कोई एचसीएस की कर रहा है, जब आप आईएएस बने होंगे बड़ी चीजें ऐसे होंगी, पता नहीं समाज में क्या क्रांति कर देंगे, आपको लगता नहीं है कि ये जो हो रहा है उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग प्रयास कर रहे हैं यूपीएससी से सिविल सर्विसेज में आने के लिए, मैं उनको कहूंगा कि जरूर करिए, ये एक बहुत अच्छा करियर है और करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ से आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, आप लाए या ना लाए ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और आपको 100% सिक्योरिटी भी है। पर सिक्योरिटी नहीं, जो 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 आपका पेशा ऐसे देखा जाता है, आईएएस ऐसे देखा जाता है कि समाज का सबसे अच्छा पेशा, और उसमें भी विक्टिमाइजेशन है, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप विक्टिम है आज, अगर उसमें भी विक्टिमाइजेशन है तो फिर मतलब फिर क्या, जो लोग इतने एम्बिशन से आते हैं उनका तो दिल टूटता होगा आके कि यार क्या ये सोच के आए थे यहाँ? नहीं, ये सब पेशे में होगा, ऊंच नीच उतार चढ़ाव हर पेशे में है, ये समझ करके आना कि इसमें आराम ही आराम मिलेगा ये सही नहीं होगा, वो आपको किसी पेशे में नहीं मिलेगा और वो सोच भी गलत है। जब तक थोड़ी कठिनाइयां नहीं आए आपके जीवन में, फिर आपको आनंद का मजा भी नहीं आएगा।
तो मजा आनंद का तभी है जब आपको कठिनाइयां महसूस करनी पड़े। जो आप जो चीजें बोल रहे हैं ऐसे लगता है जैसे कोई प्रवचन है। आप किन किन लोगों को पढ़ते हैं वैसे? जैसे आपने गांधी जी का नाम लिया, और किन किन लोगों को पढ़ते हैं आप? देखिए मैं अच्छे बेस्ट जो अध्यात्म के या और कोई राइटर कौन है? देखिए मैंने मैथमेटिकल फिलोसफी काफी पढ़ी है, और गुरुदेव टैगोर को पढ़ा है, और महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ी है, उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और फिक्शन मैंने कम पढ़ा है। अध्यात्म में किसी को आप किसी के फॉलोअर हैं या किसी को पढ़ते हैं? अध्यात्म में मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि मैंने अध्यात्म काफी पढ़ा है, लेकिन किसी का फॉलोअर हूँ ये बात ठीक कहना ठीक नहीं होगा। मैं तार्किक हूँ, और हर फिलॉसफी को तर्क और बुद्धि विवेक से आकलन करता हूँ और फिर उसको ग्रहण करता हूँ, तो वैसे नहीं लेता मैं किसी चीज। जो आप इतने क्रांतिकारी हो जाते हैं, तो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर भी पढ़ा है आपने? कोई दुनिया भर में जो रेवोल्यूशन की बात होती है? स्टूडेंट लाइफ में बहुत पढ़ा है। कहाँ कहाँ का पढ़ा है? ये छोड़िए आप, फिर एक लेबल लगेगा उसमें, तो ठीक नहीं है। विक्टिम मानते हैं आप अपने आप को? जैसे मैंने कहा कि आप विक्टिम। नहीं, मैं विक्टिम नहीं मानता अपने आप को। ये कोई प्रयास करता है, विक्टिम मानना या ना मानना आपके अपने जहन में है। तो मैं कभी अपने आप को विक्टिम नहीं मानता, मैं संघर्ष में विश्वास करता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे अशोक खेमका, जिनसे हमारी बात हुई, जिनका 51वां ट्रांसफर, पहले कांग्रेस में होते थे वाड्रा वाले मामले में, उसके बाद बीजेपी में होने लगे। जो बीजेपी सेलिब्रेट करती थी खेमका को, आजकल वो ट्रांसफर कर रही है। तो जो मैं पहले बात कही थी कि कैसे पॉलिटिसाइजेशन होता है चीजों का, और जो लोग लड़ते हैं उनके साथ सिस्टम में क्या होता है, तो ये अशोक खेमका के साथ हो रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज चंडीगढ़। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।